हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूर्या एंड यू आर वाचिंग वियरनर्स यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक्स ऑफ बिहेवियर क्या है और बिहेवियर को क्या क्या कंट्रोल करता है और टाइप्स ऑफ बिहेवियर के ऊपर भी मैं बात करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिहेवियर क्या है, यानी कि डेफिनेशन ऑफ बिहेवियर। अगर हम लोग डेफिनेशन ऑफ बिहेवियर की बात करें तो यहाँ पे बिहेवियर इज द रेंज ऑफ एक्शन एंड मैनरिज्म मेड बाय इंडिविजुअल्स। मतलब कि बिहेवियर ऐसा है कि एक जो पर्टिकुलर इंसान है उनके अंदर होता है, जब भी वो कुछ काम करने जाता है उसके अंदर से वो बाहर आता है और उसका जो बोलने का तरीका है, उसका जो काम करने का तरीका है, उसका जो क्या बताऊं, हर एक चीज में वो बाहर आता है, बिहेवियर जो है वो बाहर आता है। तो यहाँ पे बिहेवियर का मतलब शॉर्ट में यही आता है कि आप जैसे बात करते हो, आप जैसे काम करते हो, आप जैसे रास्ते पे चल के जाते हो, उसका भी बिहेवियर के साथ बहुत ज्यादा लिंक है। क्योंकि आप जैसे चलते हो, आप जैसे बोलते हो, आप जैसे देखते हो, आपका देखने का नजरिया, आपका थिंकिंग पावर, ये सब बिहेवियर के साथ इंक्लूडेड है। तो अब हम आते हैं बिहेवियर कैसे कंट्रोल होता है, यानी कि बिहेवियर को क्या क्या कंट्रोल करता है। सबसे पहले तो हम जो एक इंसान होता है, इंसान के अंदर बहुत सारी चीजें होती है बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि पर्टिकुलर ऑर्गन हो गया, ऑर्गेनिज्म हो गया, पर्टिकुलर एक क्या बताऊं सिस्टम हो गया। मान लो कि आप पर्टिकुलर ऑर्गन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा जो हैंड है, हमारा जो आईज है, हमारा जो नोज है, हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग बिहेवियर होता है। अगर हम लोग हैंड को ऐसे लिफ्ट कर सकते हैं तो आई को ऐसे लिफ्ट नहीं कर सकते। हम लोग होंठ को ऐसे हिला सकते हैं बट हाथ को बोलने के लिए हिला नहीं सकते। इसका जो एक हैंड का बिहेवियर अलग है, लिप्स का बिहेवियर अलग है, आईज का बिहेवियर, हमारे अंदर जो हर एक ऑर्गेनिज्म होता है, हर एक जो बॉडी पार्ट होता है, हर एक का बिहेवियर के साथ बहुत बड़ा लिंक है। क्योंकि अगर हम लोगों का जो ये बॉडी पार्ट्स है सही से काम नहीं करेगा तो हम लोगों का जो बिहेवियर है वो भी बिगड़ेगा। और हमारा जो बिहेवियर है कंट्रोल होता है एनवायरनमेंट के द्वारा। हमारा जो बिहेवियर होता है, हमारा जो बॉडी, हमारा जो ऑर्गेनिज्म जो सिस्टम के अंदर चलता है उसके द्वारा, यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, बहुत सारा हमारे अंदर सिस्टम है। इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि बिहेवियर कैसे कंट्रोल होता है हमारे शरीर के अंदर। तो यहाँ पे अब हम आते हैं कि बिहेवियर कितने टाइप का होता है। बिहेवियर देखिए मेनली जेनेटिकली और एनवायरमेंटली बिहेवियर होता है। जेनेटिकली मतलब क्या है, अगर आपका पिताजी, आपका माँ, या फिर आपका जो क्या बताऊं, आपका पिताजी का जो पिताजी था उसका जो बिहेवियर था, बोलने का तरीका था, उसका जो चलने का तरीका था, देखने का नजरिया था, उसका जो थिंकिंग स्टाइल था, उस सब का 1% अगर आपके अंदर होता है, वहां पे होना ही चाहिए, ये बायोलॉजिकल ही है कि आपका पिताजी का यानी कि आपका फादर का या फिर मदर का या फिर ग्रैंडफादर का या फिर ग्रैंड मदर का किसी का भी किसी का जो उसका बिहेवियर स्टाइल है, स्टॉकिंग स्टाइल है, उसका जो वॉकिंग स्टाइल है, हर एक स्टाइल ऐसा तो कॉपी नहीं होता बट कुछ ना कुछ आपके अंदर होता है, वो ही होता है जेनेटिकली बिहेवियर। क्योंकि उनका जो बोलने का तरीका था, आप जब पैदा होके सबसे पहले बोलना सीखोगे तो वहां पे उसका जो बोलने का तरीका था, चलने का तरीका था, कुछ ना कुछ आपके अंदर झलकेगा। और एनवायरमेंटल जो बिहेवियर है ये होता है कि देखिए हम लोग सोसाइटी में मिलते जुलते हैं, सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं जिसके साथ हम लोग बात करते हैं बड़ा होके, जिसके साथ घूमते फिरते हैं, दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं, हर एक का बोलने का स्टाइल अलग है, चलने का स्टाइल अलग है, उन लोगों का काम करने का स्टाइल भी अलग है। उन लोगों से हम लोग जितना मिलेंगे जुलेंगे, जितना हम लोग उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उतना जो उन लोगों का बिहेवियर होता है हमारे अंदर, क्या बताऊं, उसका प्रभाव पड़ता है हमारे अंदर। एक बात समझ लीजिए, जेनेटिकल जो बिहेवियर होता है, कुछ कुछ जेनेटिकल बिहेवियर एनवायरमेंट की द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता है बट एनवायरमेंटल जो बिहेवियर है वो जेनेटिकली कंट्रोल नहीं होता। क्योंकि जेनेटिकली बिहेवियर के अंदर हमारा जो चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल भी आता है। ये जो बोलने का स्टाइल है, मान लो आप वेस्ट बंगाल का एक लड़का हो, वहां पे आप जैसे हिंदी बोलोगे, जैसे इंग्लिश बोलोगे, अगर आप बाहर की कंट्री में जाते हो या फिर बाहर की स्टेट में जाते हो इंडिया में, तो वहां पे बोलने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, हिंदी स्पीकिंग पावर और इंग्लिश स्पीकिंग पावर, स्पीकिंग का जो स्टाइल है
वो अलग हो जाता है, वहां पे जो बोलने का स्टाइल है वो अलग हो जाता है, वहां पे इन्वायरमेंटली आपका जो बिहेवियर है वो वहां पे कंट्रोल होता है। बट इन्वायरमेंटल जो बिहेवियर होता है, मान लो अगर आप दोस्तों के साथ मिलजुल के कुछ भी बिहेवियर आपके अंदर आता है, मान लो ऐसा नहीं होना चाहिए, सरासर गलत है, आपका कोई भी दोस्त स्मोकिंग करता है, अगर आप उसके साथ मिलते मिलते आपका भी स्मोकिंग का आदत लग गया, तो वो जेनेटिकली कंट्रोल नहीं हो सकता, वो एनवायरमेंटली कंट्रोल होगा। क्योंकि अगर आपके पास कुछ भी बैड हैबिट्स इन्वायरमेंटली आता है, या फिर कुछ भी गुड हैबिट्स भी आता है, वो जेनेटिकली उसके साथ कोई लिंक नहीं है, उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो कंट्रोल नहीं होगा। और जो बिहेवियर का टाइप्स है, अनकॉन्शियसली कुछ बिहेवियर होता है और कॉन्शियसली कुछ बिहेवियर होता है। कॉन्शियसली बिहेवियर जैसा कि हम लोग कुछ किसी से बात कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, हम लोगों का माइंड कॉन्शियसनेस है, हम लोग जानते हैं क्या कर रहे हैं, इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट मतलब कि इसके हिसाब से अगर हम लोग ये काम कर रहे हैं, मान लो आप जॉब कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको पता है, अगर मैं एक नर्स हूं, मैं पेशेंट को ट्रीट कर रहा हूं, हो सकता है ये क्योर हो जाएगा, इसका जो तबीयत है वो ठीक हो जाएगा, ये इसका जो इलनेस था वो ठीक हो जाएगा। बट अगर आप अनकॉन्शियसली कुछ करते हो, जैसे कि आप सोते हो, सोते सोते आप कुछ भी करते हो, आपको पता नहीं है क्या कर रहे हो, अगर आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके बाद भी आप कुछ भी काम करते हो, उसके तरफ आपका ध्यान नहीं जाता, कुछ भी कर देते हो, अगर आप सोच रहे हो किसी चीज के बारे में, डीप थिंकिंग में हो, तो वहां पे आपका बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कुछ भी सोच रहा है, सोचते सोचते हाथ में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हाथ में ब्लेड रहता है, बहुत सारे क्या बताऊं शार्प चीजें होती है, जिससे उन लोगों का अगर उंगली भी कट गया उसको पता नहीं चलता क्या हुआ, बट जिस जब उसका वो जो थिंकिंग है, जब उसको वो साइड से ध्यान हटेगा, तभी उसको पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। ऐसे ही अनकॉन्शियसली हमारे अंदर बहुत सारे बिहेवियर्स होता है जो हम लोग करते रहते हैं, बट हमको पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी से बात कर रहे हैं, स्पीड में बोलने के चक्कर में कुछ भी और सोच रहे हैं और बोल भी रहे हैं, तो वहां पे कुछ वो जो सोच रहे हैं उसको बोल जाते हैं। बट मैं सोचता हूँ कि जब हमारा जो कॉन्शियसनेस आता है, तब हम लोग सोचते हैं कि हम लोग मैंने जो बोला है वो सही बोला है, तो ये होता है कॉन्शियसली बिहेवियर। तो ये था बेसिक ऑफ बिहेवियर, टाइप्स ऑफ बिहेवियर और क्या डेफिनेशन ऑफ बिहेवियर, और बिहेवियर को कौन कौन चीज कंट्रोल करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, उन लोगों को भी बताइए बिहेवियर एंड बेसिक्स ऑफ बिहेवियर क्या है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।